नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका अड़ोस पड़ोस की यह औरत अब शमशान घाट जाने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस औरत ने आपको जीवन भर रुलाया है, हमेशा आपको तकलीफ दिया है, इसकी वजह से आप दिन रात घुट घुट कर दिए हैं, अब इनका जिंदगी होगा। आने वाले 3 दिनों के भीतर अब यह खुशखबरी आप सभी के कानों पर गूंजने वाली है। बधाई हो, अब आप सभी के जीवन के सबसे बड़ा कांटा साफ होने वाला है। धन्य हो बालाजी, आपने हमारे जीवन ही बदल दी। जी हां दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में बालाजी के आशीर्वाद से बड़ा ही मौका आने वाला है। आने वाले 3 दिनों के भीतर आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बालाजी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बालाजी महाराज के लिए जय बालाजी महाराज जरूर लिखिएगा। महाबली हनुमान जी आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। अभी आपको महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो जरूर लिखिएगा। जी हां दोस्तों, और आप सभी को बता दे कि आने वाली 3 दिनों के भीतर अब बालाजी महाराज के आशीर्वाद से बड़ा मौका हाथ लगने वाला है। अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में कौन कौन सी खुशखबरी आने वाली है, आप सभी का लव लाइफ, स्वास्थ्य केयर और धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, पारिवारिक जीवन, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहने वाला है, हर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले और साथ ही साथ कौन से क्षेत्र में सावधानी आपको रखनी होगी और उनके साथ साथ आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कौन कौन से महा उपाय करना चाहिए जिनके कारण महाबली हनुमान जी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। जी हां दोस्तों, बस हम आप सभी से इतना निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा यह औरत है, जिसकी वजह से आप डर डर की ठोकर खाए हैं। वह आपके जीवन से अब हमेशा के लिए दूर जाने वाला है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। यश में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ गलती अब आपको भूल कर भी नहीं करने होंगे, ताकि अब दोबारा आप सभी के जीवन काल में कोई दूसरा ऐसा औरत ना बन जाए और आपके जीवन में दस्तक ना दे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह औरत जो आपके जीवन से दूर जाने वाली है, यह आपके घर के आसपास की है, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके हर अच्छी कार्यों पर उनकी बुरी नजर रहते हैं। आपके सामने यह हमेशा मीठी बोली बोलते हैं और आपको हमेशा अपने बातों में लुपते हैं। लेकिन हम आपसे भी को बता दें कि यह पीठ पीछे आपकी बुराई के रास्ते बहुत दिनों से बनाते आ रहे हैं। लेकिन हम आप सभी को एक बात बता दें कि जो पीठ पीछे किसी की बुराई करता है या पीठ पीछे किसी को बर्बाद करने का षड्यंत्र बनता है, तो वह भले ही लोगों से छुप सकता है, लोगों से बच सकता है, लेकिन वह भगवान की नजरों से नहीं बच सकता। उन्हें भगवान ही दंड दे सकती है। और अब स्वयं बालाजी महाराज आप सभी के जीवन से इस महिला को जड़ से खत्म करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के भीतर आप सभी का घर और परिवार बिल्कुल ही खुशियों में खेलेगा, क्योंकि इसकी वजह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भी बनी आ रही थीं, जिनके कारण देवी देवता भी आपके जीवन काल से धीरे धीरे रुष्ट हो गए थे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस महिला की चलते पिछले कई सालों से बिल्कुल ही तबाह हो चुके थे, बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके थे, लेकिन फिर से अब आप सभी का घर और परिवार खुशियों से भर जाएगा, फिर से बरकत होना शुरू हो जाएगा और फिर से आप सभी के सपने सच होने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके कार्य इस औरत के चलते अधूरे पड़े थे, अब वह कार्य फिर से पूरी होने वाले हैं। स्वयं बालाजी महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन आने वाले 3 दिनों के अंदर सोने पर सुहागा होने वाला है। अब आप सभी की कर्मों का सबसे बड़ा फल आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोबारा आप किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, उनके चिकनी चुपड़ी बातों पर भूल कर भी नहीं आना है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके साथ जो भी बड़ी घटना होगी, इसकी जानकारी आप किसी को भी ना दें, अन्यथा आप सभी के जीवन से बालाजी रुष्ट हो जाएंगे। हां दोस्तों, अगले 3 दिनों में बालाजी महाराज आपके बड़े संकेत देने वाले, इन संकेतों को आपको समझना होगा और आपको अपने जीवन में इसे उपयोग करना होगा। बालाजी की आज्ञा का पालन
आपको करना होगा। जी हां दोस्तों, तभी बालाजी महाराज आपके जीवन से इस औरत को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो कौन कौन से संकेत भी आपको मिलने वाले आने वाले 3 दिनों के भीतर, इनके बारे में भी हम चर्चाएं करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यह समय आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य सभी स्तरों पर कौन कौन सी बड़ी बदलाव होंगे, कौन कौन से सुधार होंगे। सेहत बढ़िया रहेगी, आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होंगी। रोमांस आपके दिल पर काबिज है, व्यावसायिक साझीदार सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं। आज कुछ नया और सृजनात्मक करने के लिए अच्छा दिन है। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन आज गुजार सकते हैं। आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन यात्रा आपके लिए थकाऊ और तनावपूर्ण साबित हो सकती है। नया आर्थिक किरार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। आप माता पिता को कहूश करने में कठिनाई महसूस करेंगे। उन्हें समझने और उनके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें, आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। उन्हें आपकी परवाह, स्नेह और समय की आवश्यकता है। आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे लिंग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सहकर्मियों और कनिष्ठों के चलते चिंता और तनाव के क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। मौज मस्ती के लिए घूमना संतोषजनक रहेगा। आप महसूस करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी आपके लिए वाकई खुशनसीबी लेकर आई है। अपना धैर्य न खोएं, खास तौर पर मुश्किल हालात में। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, उसके चोरी होने की संभावना है। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। बच्चे भविष्य की योजनाएं बनाने की अपेक्षा घर के बाहर ज्यादा समय बिताकर आपको निराश कर सकते हैं। आज के दिन अपने प्रिय से कोई तल्ख बात न कहें। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपके घर वाले आज आपसे कई परेशानियां शेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी ही धुन में मस्त रहेंगे और खाली समय में कुछ ऐसा करेंगे जो करना आपको पसंद है। जीवन साथी के साथ कुछ तनातनी मुमकिन है, लेकिन शाम के खाने के साथ चीजें भी सुलझ जाएंगी। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से अगले 3 दिनों के अंदर आपके मन की इच्छाएं पूरी होने वाली। जो भी आपके सपने हैं, गाड़ी बंगले हो या घर बनाने की सपने, सब कुछ पूरी होने वाले। बालाजी का महिमा अपरंपार है। आपके जीवन से इस औरत का सत्यानाश होगा और दूसरी तरफ आपके लाभ के सारे दरवाजे खोल देंगे। जी हां दोस्तों, बालाजी महाराज अब आप सभी के जीवन से सभी प्रकार की विपदाएं, समस्याएं समाप्त कर देंगे और खुशियों से आप सभी का घर भर देंगे। जी हां दोस्तों, योग और ध्यान आपको बेडौल होने से बचाने और मानसिक तौर पर सेहतमंद रखने में मददगार साबित होंगे। आज के दिन आप धन से जुड़ी समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह लेनी चाहिए। अगर आप हर किसी की मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ नाकामी आपके हाथ लगेगी। अपने प्रिय की बातों के प्रति आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। आपको अपने जज्बात पर काबू रखने की जरूरत है और ऐसा कुछ करने से बचें जो मामले को और भी बिगाड़ी डाच दे। अपने बॉस वरिष्ठों को घर पर बुलाने के लिए अच्छा दिन नहीं है। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी न होने से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है। खाना, साफ सफाई या कोई और घरेलू चीज इसका कारण हो सकती है। बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं। वे निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं, उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। मुसीबत के वक्त परिवार से आपको मदद और सलाह हासिल होगी। आप दूसरों के तजुर्बों से कुछ सबक सीख सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। रोमांस के नजरिए से आज जिंदगी बहुत जटिल रहेगी। अपने काम में तेजी लाने के लिए
आप तकनीक से जुड़ी चीजों में निवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी परिस्थिति से घबराकर भागेंगे तो वह आपका पीछा हर निकृष्ट तरीके से करेगी। अगर आप और आपका जीवन साथी खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देंगे तो सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तली भुनी चीजों से दूर रहें और रोजाना कसरत करते रहें। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो। नई चीजों पर ध्यान लगाएं और अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद लें। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो कुछ लोगों को कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आप जिस प्रतियोगिता में भी क्यूदम रखेंगे, आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत के लिए काफी वक्त मिलेगा, लेकिन सेहत गड़बड़ हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही फलदायी होगा, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझ कर लगाएं। शाम के समय अपने जीवन साथी के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। रोमांस आपके दिल दिमाग पर छाया रहेगा, क्योंकि आज आपकी मुलाकात अपने प्रिय से होगी। कुछ लोगों को कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलेगी। आपको अपने घर के छोटे सदस्यों के साथ वक्त बिताना सीखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप घर में सद्भाव बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपकी जी तो डीआरजी मेहनत और परिवार का सहयोग इच्छित परिणाम देने में कामयाब रहेंगे, लेकिन तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए मेहनत इसी तरह जारी रखें। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। हालात को काबू में रखने के लिए अपने भाई की मदद लें। विवाद को ज्यादा तूल देने की बजाय उसे दोस्ताना तरीके से हल करने की कोशिश करें। प्यार के नजरिए से देखें तो आज आप जीवन के रस का भरपूर आनंद लेने में सफल रहेंगे। व्यवसाय में किसी धोखेबाजी से बचने के लिए अपने आंख कान खुले रखें। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं, आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे, लेकिन किसी शख्स के घर में आने की वजह से आपका यह प्लान चौपट हो सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बहुत रोमांचक काम कर सकते हैं। ऊर्जा के अपने ऊंचे स्तर को आज अच्छे काम में लगाएं। जिन व्यापारियों के संबंध विदेशों से हैं, उन्हें आज धन हानि होने की संभावना है, इसलिए आज के दिन सोच समझ कर चलें। दिन को रोमांचक बनाने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। जिनकी सगाई हो चुकी है वे अपने मंगेतर से बहुत सी खुशियां पाएंगे। करियर के नजरिए से शुरू किया सफर कारगर रहेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाजता जरूर ले लें, नहीं तो बाद में वे आपत्ति कर सकते हैं। अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर फिर से सोचने का समय। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। मनोवैज्ञानिक डर आपको बेचैन कर सकता है। सकारात्मक सोच और हालात के उजले पहलू को देखना आपको इससे बचा सकता है। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रयास करेगा। आज आपको प्यार का जवाब प्यार और रोमांस से मिलेगा। आज आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आज आपके मन में कोई दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। आपका कम्युनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध होंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप प्यार और रोमानियत से भरे पुराने दिन एक बार फिर जी पाएंगे। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रगति निश्चित है। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर जाते समय जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिए। बहादुरी भरे कदम और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन आज गुजार सकते हैं। वित्तीय योजनाओं से जुड़े कामों पर ध्यान दें। आपको किसी काम में विशेष फायदा होने वाला है।
घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी भी योजना बन सकती है। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रतियोगिता संबंधी समस्या का समाधान मिलने से राहत रहेगी। संतान पक्ष को लेकर मन कुछ चिंतित रहेगा, कुछ समय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी जरूर निकालें। व्यर्थ की घूमने फिरने व मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत ना करें, इसकी वजह से आपके काफी महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। आज व्यवसाय संबंधी नई योजना या काम शुरू न करें, अभी कामयाबी मिलने की संभावना नहीं है। बेहतर होगा कि जैसा वर्तमान में चल रहा है उसी पर ध्यान दें। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, प्रोजेक्ट से संबंधी समस्याओं का भी समाधान मिलेगा। परिवार में कुछ तनावपूर्ण माहौल रहेगा, हालांकि दोपहर बाद संबंधियों अथवा मित्रों के आगमन से वातावरण सामान्य भी हो जाएगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु तनाव व थकान से बचने के लिए आराम भी लेना आवश्यक है। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी बहुत अधिक मेहनत होगी तथा उसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम रुका है तो उससे संबंधित फैसले लेने का उचित समय है। धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, किसी बात को लेकर मन में भ्रम और हताशा जैसी स्थिति बन सकती है। अपने विचारों में स्थिरता और धैर्य बनाकर रखें और चुनौतियों का सामना करें। युवा वर्ग, मौज मस्ती में समय व्यर्थ ना करें, वरना इस वजह से आप कोई उपलब्धि खो बैठेंगे। नौकरी और बिजनेस में मेहनत ज्यादा और फायदा कम होने जैसी स्थिति रहेगी। इस समय बहुत सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित रखें। ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पूरा होने से उच्चाधिकारियों से सराहना मिलेगी। परिवारजनों के आपसी सामंजस्य से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का अवसर मिल सकता है। आज दिन भर कुछ ना कुछ चुनौतियां और व्यस्तता का माहौल रहेगा। किसी भी प्रकार की दुविधा के समय परिवारजनों का सहयोग आपके लिए मददगार साबित होगा। कुछ समय आत्म केंद्रित होकर चिंतन में लगाएं, आपको अपने कई सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। अपनी कार्यप्रणाली और गतिविधियों को सीक्रेट रखें। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी योजनाएं शेयर करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत ना करें, बच्चों की समस्याओं पर भी ध्यान दें। बिजनेस में मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि छोटी सी गलती से कोई डील कैंसिल भी हो सकती है। अगर कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वास्तु सम्मत नियमों का भी अवश्य पालन करें। घर का वातावरण खुशनुमा और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा तथा पारिवारिक व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श भी होंगे। निकट संबंधियों का घर में आगमन होगा और परिवार में मौज मस्ती, खुशहाली भरा वातावरण बना रहेगा। संबंधों को बेहतरीन बनाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। युवा वर्ग, अपने काम के नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ समझौता न करें। किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित रखें, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त होगा। समय समय पर बच्चों का उचित मार्गदर्शन करते रहे। अन्य कामों में व्यस्तता की वजह से कार्य क्षेत्र में समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग्य बन रहे हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में चल रहे गलत फहमी का निराकरण होगा और संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। यूरिन संबंधी कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। अचानक ही किसी खास मित्र के साथ मेल मुलाकात होगी तथा किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श होंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय लगाने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद ना करें। घर परिवार के मामलों में अपनी उपस्थिति और सहयोग देना जरूरी है। आपका सहयोग उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अगर भूमि बेचने संबंधी कोई योजना को बहुत ही ध्यान से करें या स्थगित ही रखें। कार्य क्षेत्र में दुविधा होने से भाइयों अथवा नजदीकी मित्रों का सहयोग जरूर लें, उनकी सलाह से परेशानियों से निजात मिलेगी। किसी भी गैर कानूनी काम या नकारात्मक लोगों से दूरी रखें।
सरकारी नौकरी में अधिकारियों का दबाव रहेगा, पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस की स्थिति बनेगी, प्रेम संबंधों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बढ़ती ठंड और इन्फेक्शन आदि से अपना बचाव अवश्य करें। पिछले कुछ समय से किसी कार्य को लेकर चल रही योजनाएं आज कामयाब होंगी तथा आपकी लगन और मेहनत आपको उचित परिणाम भी हासिल करवाएगी। आपका सहयोग परिवारजनों की हिम्मत और हौसला बढ़ाएगा। मोबाइल अब ईमेल द्वारा शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है। अपने शुभ चिंतकों और नजदीकी मित्रों की सलाह पर जरूर अमल करें। अगर कोई राजकीय या कोर्ट के संबंधी कोई मामला चल रहा है तो उससे संबंधित कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। इनसे संबंधित किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। बिजनेस में काम ज्यादा रहेगा, महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें, दूसरों की सलाह पर भी विचार करके फैसले लें। नौकरी में लापरवाही के कारण अधिकारियों से डांट फटकार सुननी पड़ सकती है। परिवार में सुख शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा, परंतु विवाहितर संबंध किसी प्रकार की परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। तो लिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों के भीतर आपको कौन सी महा उपाय करना चाहिए ताकि आपके जीवन काल से यह औरत हमेशा के लिए चला जाए और महाबली हनुमान जी आपके ऊपर हमेशा अपने कृपा दृष्टि बरसाए, हमेशा अपनाना नजर रखें। तो ध्यान से देखिएगा और हर बात को समझिएगा। तो आपको क्या करना है, आप मंगलवार के दिन राम मंदिर में जाएं और दाहिने हाथ के अंगूठे से हनुमान जी के सिर से सिंदूर लेकर सीता माता श्री चरणों में लगा दें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगा। मंगल के दिन सुबह के दिन एक धागे में 4 मिर्चें नीचे डालकर उसके ऊपर नींबू डालें और फिर उसके ऊपर 3 मिर्चें और लगाएं। इसके बाद इसे घर और व्यवसाय के दरवाजे पर लटका दें। इससे नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और सकारात्मकता का संचार होगा। से मंगलवार के दिन पीपल के 11 पत्ते लेकर साफ जल से धो लें। इन पत्तों पर चंदन या कुमकुम, प्रभु श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर इन पत्तों को अर्पित कर दें। इससे जीवन के दुख कम होंगे। प्रत्येक मंगलवार को नजदीकी मंदिर में जाकर हनुमान जी को बनारसी पान अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और आपके सभी काम बनते रहेंगे। मंगलवार को सुबह लाल गाय को रोटी देना शुभ है। सुबह उठते ये काम बिल्कुल न करें। सुबह उठते ही कभी भी आईना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तो आपका शरीर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में होता है। इसलिए कहा जाता है कि फ्रेश होने के बाद आईना देखना चाहिए। सुबह सुबह तेल के बर्तन या फिर सुई धागे आदि पर नजर पड़ना शुभ नहीं होता। एक पोटली बदल देगी आपकी किस्मत। अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा धन संपत्ति बनी रहे और इसमें इजाफा हो, तो लाल रंग का एक रूमाल लें। इसमें 7 साबुत लाल मिर्च रखें। अब रूमाल को पोटली की तरह बांधकर अपने रुपए रखने के स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आयंत में आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, जिससे आपका यह शत्रु, यह औरत जड़ से ही खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यह औरत जो आपके आस पड़ोस के है या कौन हो सकती है। अगर आप समझ गए तो सही है, अगर नहीं समझे तो हम आप सभी को बता दें कि इस औरत के नाम का पहला अक्षर SMRLP के इसे शुरू होती है, जो कि आपकी जान के सबसे बड़े दुश्मन है। इनका नामो निशान अब मिटाने वाला है, तो उनके लिए आपको कौन से उपाय करना चाहिए दोस्तों? इस औरत का नाम लेकर आपको हनुमान चालीसा का 11 माला पाठ करना है और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में इस औरत का नाम लेकर हनुमान जी को एक लाल पुष्प अर्पित कर देना है। और देखें, आने वाले 72 घंटे के अंदर इस औरत का नामो निशान आपके जीवन से मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।